हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज फिर से एक नया केक डिज़ाइन लेके आ गया मैं आप लोगों के सामने। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीखो, तो इसलिए मैं जितना हो सके बहुत ही सिंपल तरीका से और आप लोगों को यूनिक सा केक डिज़ाइन शेयर करती हूँ। इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप लोगों के पास। तो आज हम कुछ डिफरेंट सी केक टूल्स एंड डिफरेंट सी डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ ये भी बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी कस्टमर आपको 200 या 300 के अंदर केक चाहिए तो आप वो केक कैसे बनाकर दे सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को जो 1 पाउंड का मेज़रमेंट आप लोग यूज़ करते हो ना स्पॉन्ज के लिए, उसके हाफ वाला मेज़रमेंट यूज़ करना है और बस कुछ नहीं करना है। और स्पॉन्ज के ऊपर ही क्रीम दे के आइसिंग करना है पहले, फिर उसके बाद क्रीम दे के डेकोरेट भी करना है। और स्पॉन्ज को लेयर में कट करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरा आइसिंग पूरा अच्छी तरह से कम्प्लीट हो चुके हैं, अब इसको मैं थोड़ा फ्रिज में डाल दूँगी क्रीम को सेट होने तक। तो आइसिंग करने के बाद, तो आइसिंग तो मेरा कंप्लीट हो चुके है, अब इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूँगी। जो केक बोर्ड में मेरा क्रीम लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा क्लीन कर लूँगी। तो मैंने क्रीम को थोड़ा सेट कर लिया। फिर जो हम लोगों के घर पे, सभी लोगों के घर पे जो अवेलेबल होता है ना नाइफ, तो उसी नाइफ से मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर दूँगी। कुछ नहीं करना है, वो जो खांज वाला नाइफ होता है ना, तो उस खांज के उस साइड से मैं कुछ नहीं करना है, बस इसको हल्के हाथों से इस तरीके से खींचना है। फिर हम लोगों को इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा वो बाद में बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। तो हमेशा तो स्पैचुला या फिर जो स्क्रैपर होता है तो इसमें ही हम लोग जो डिज़ाइन देते हैं, जो केक आइसिंग करने के बाद स्ट्रक्चर वाला जो डिज़ाइन होता है ना, वो देते हैं। तो इसलिए आज कुछ अलग ट्राई किया। और नाइफ तो सबके घर पे अवेलेबल रहता है, तो सभी लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। और बस केक के साइड से इस तरीके से जो ब्रश होता है ना, कुछ नहीं करना, ब्रश को पकड़ के और टर्न टेबल को इस तरीके से घुमाना है और बस कुछ नहीं करना है। तो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर रेड कलर की क्रीम लिया हूँ और जो छोटा साइज का स्टार वाला नोज़ल होता है ना, उसी नोज़ल लिया हूँ। और इस तरीके से छोटा छोटा दो स्टार या फिर चेरी टाइप में बना लूँगी। और मैं इसी टाइप में साइड पे भी दो दो स्टार वाला बना लूँगी। तो सॉरी गाइस, मैं जब साइड में बनाया तो मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, तो इसलिए मैं शेयर कर नहीं पाया। अब मैं फ्लावर के सामने जो ग्रीन कलर की स्टिक होती है ना, वो बनाएंगे, बस उल्टा भी बनाएंगे और ऊपर एक लाइन बना देंगे। तो इसमें कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं किया मैंने, तो सभी फ्लावर्स में मैं इस टाइप का बना लूँगी। तो इस केक बनाने के लिए कोई भी नोज़ल का ज़रूरत नहीं होगा। जो मैं स्टार वाला जो फ्लावर्स बनाया ना छोटे छोटे, तो उसमें मैं, मेरे पास छोटे वाला स्टार नोज़ल थी इसलिए मैं बना दिया। तो आप लोग चाहो तो कुछ नहीं करना, बस पाइपिंग बैग में इस तरीके से रेड कलर भर लेना है और पाइपिंग बैग को थोड़ा सा करके इसको कट कर लेना है। फिर इसको क्रीम को पाइपिंग बैग को प्रेस करना है और क्रीम को छोड़ना है। बस इस तरीके से छोटा छोटा जो फ्लावर्स होता है ना चेरी टाइप का, वो बन के रेडी हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो मैं केक के पूरे साइड से या ऊपर से, मैं चारों साइड से ही जो घी वाला डिज़ाइन है सभी फ्लावर के सामने मैं बना लिया। तो ये फिर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसको जो केक के साइड में बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, इस तरीके से जो क्रीम मैंने ली के भी बनाए थे ना, उसी क्रीम में मैं साइड को थोड़ा इस तरीके से राउंड टाइप घुमा लूँगी, जो ग्रीन क्रीम मैंने लिया था, बस वही मेरा बहुत खूबसूरत दिखने लगेगी। और इस तरीके से मैं जो भी बनाए थे और एक लाइन टान दी थी, तो उसके सामने मैं इस तरीके से छोटा छोटा लिप बना लूँगी सभी फ्लावर के सामने। बस मेरा केक बन के रेडी हो गया। तो विदाउट नोज़ल आप लोग इस बना सकते हो बहुत ही कम टाइम पे और बहुत ही यूनिक सा केक डिज़ाइन आप लोगों को दिखेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।